हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आज के हमारे इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में। हमारा पहला प्रश्न यह है कि सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑकबर्न। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत ऑकबर्न ने प्रस्तुत किया है। हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि चेतनात्मक संस्कृति एवं विचारात्मक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? तो इसका सही उत्तर होगा सोरोकिन। सोरोकिन ने ही चेतनात्मक संस्कृति एवं विचारात्मक संस्कृति की अवधारणा दी है। हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि संस्कृति के भौतिक पक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सभ्यता। संस्कृति के भौतिक पक्ष को सभ्यता कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा रॉस। पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन रॉस ने कहा है। हमारा पांचवा प्रश्न यह है कि संस्कृति पर्यावरण का निर्मित भाग है, यह कथन किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा हर्स कोविट्स। हमारा छठा प्रश्न यह है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा एडवर्ड टेलर। यह कथन एडवर्ड टेलर ने कहा है। हमारा सातवां प्रश्न यह है कि भावनात्मक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? तो इसका सही उत्तर होगा सोरोकिन। हमारा आठवां प्रश्न यह है कि पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी है? तो इसका सही उत्तर होगा MN श्रीनिवास। हमारा नौवां प्रश्न यह है कि भौगोलिक पर्यावरण में वह समस्त दशाएं सम्मिलित हैं जो प्रकृति मनुष्य को प्रदान करती है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा मैकाइवर एवं पेज। यह कथन मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। हमारा दसवां प्रश्न यह है कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1985 ईस्वी में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न यह है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हैं। हमारा बारहवां प्रश्न यह है कि मृदा प्रदूषण का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा मिट्टी। मृदा प्रदूषण का संबंध मिट्टी से है। हमारा तेरहवां प्रश्न यह है कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना रिक्टर स्केल है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा PH लैंडिस। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा का प्रयोग पहली बार PH लैंडिस ने किया था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रॉस। सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक रॉस ने लिखी है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि दी सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा किंग्सले डेविस। दी सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक किंग्सले डेविस ने लिखी है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है? तो इसका सही उत्तर होगा मर्टन। संदर्भ समूह की अवधारणा मर्टन ने दी है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह में आकार की दृष्टि से कौन छोटा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक समूह। हमारा अगला प्रश्न यह है कि अंत समूह का विपरीत समूह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बाह्य समूह। अंत समूह का विपरीत समूह बाह्य समूह है। हमारा बीसवां प्रश्न यह है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कूले। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कूले की कृति है, यह पुस्तक कूले ने लिखी है। फ्रेंड्स, यह थी जानकारी समाजशास्त्र के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।